हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय श्री रामलाल जी मंच पर बैठी हुई महिला मोर्चा की केंद्रीय पदाधिकारी, प्रदेशों की अध्यक्ष, सांसद, विभिन्न राज्यों में मंत्रिपरिषद में मंत्री का पद संभालने वाली महिला बहनें और देश भर से हजारों की संख्या में इस विशाल सम्मेलन में आई हुई महिला मोर्चा की कार्यकर्ता बहनें, मैं सर्वप्रथम सरोज जी को और उनकी सब सहयोगियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि राजनीतिक दृष्टि से पार्टी के काम आने वाला इतना विशाल आयोजन उन्होंने आयोजित किया है। ২০১৪ के चुनाव की तैयारी की दृष्टि से इस आयोजन को किया है और स्वाभाविक है कि 2014 के चुनाव में महिलाओं का और राष्ट्रीय महिला मोर्चा का एक बहुत बड़ा दायित्व रहने वाला है। वैसे भी मैं हाल में पिछले कई वर्षों से देख रहा हूं तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन महिला मोर्चा की वजह से आया है। पहले महिला मोर्चा का जो प्रतिनिधित्व होता था संगठन के अंदर, बहुत वर्ष पहले केवल औपचारिक होता था। आज वो परिस्थिति नहीं है। आज तो राजनीतिक कार्य पद्धति में एक बराबर का हिस्सेदार बनकर, और कई ऐसे काम है जिसमें बराबरी से भी आगे बढ़कर महिला मोर्चा की कार्यकर्ता पार्टी का काम संभालती है। मैं देश भर में जितने प्रदर्शन और विशाल कार्यक्रम देखता हूं, महिलाओं की भागीदारी उसमें बहुत बड़ी संख्या में रहती है। मैं तो कई बार ये कहता हूं कि केवल दिल्ली में, केंद्र में नहीं, राज्यों में भी कई ऐसे कार्यक्रम हैं और कई ऐसी जिम्मेवारियां हैं जिसमें सबसे पहले पार्टी के प्रवक्ताओं के रूप में जब आती हैं तो हमारी महिला कार्यकर्ता बहुत खूबी के साथ देश भर में उस जिम्मेवारी को निभा रही हैं। और इस आयोजन के बाद सरोज जी, सभी महिला बहनें ये मान लें कि यूपीए की सरकार का जो अत्याचार और जुल्म हुआ है, जो शासन न चला पाना सरकार का काम रहा है, उसका सबसे अधिक बोझ महिलाओं के ऊपर पड़ा है। वैसे तो महिलाओं की संख्या समाज में 50% होती है, लेकिन महिलाओं का दायित्व यूपीए को उखाड़ के फेंकने में 2014 में 50% से ज्यादा रहने वाला है। और मैं केवल इसलिए नहीं कह रहा हूं कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार पिछले कुछ वर्षों में बहुत बड़ा है, इस सरकार की जितनी नाकामी है, बढ़ती हुई कीमतें, अर्थव्यवस्था का ठप हो जाना, घर का खर्चा न चला पाना, बेरोजगारी समाज के अंदर बढ़ जाना, इस सब का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है तो महिलाओं के ऊपर पड़ता है।
आज हम इस मोड़ पे खड़े हैं कि सारा देश भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रहा है। देश को यह अपेक्षा है कि कब इस कांग्रेस से मुक्ति हम लोगों को मिलेगी, और कांग्रेस से मुक्ति दिलवाने का वो काम वो राजनीतिक दल और संगठन नहीं कर पाएंगे जो बार बार ये प्रयास करते हैं कि किसी प्रकार से कांग्रेस के साथ हमारा आज या कल कोई गठजोड़ हो जाए। इस सरकार के जो पाप हैं, इस सरकार की जो विफलता है, जो इस सरकार के नजदीक जाने का प्रयास करेगा उनके खाते के अंदर भी आने वाली है। स्वाभाविक रूप से इसका विकल्प केवल एकमात्र राजनीतिक दल है, और वो राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। कई कारण हैं जिसकी वजह से एक निराशा का माहौल देश के अंदर इस सरकार के खिलाफ बढ़ा है, और आज लोग, आज नारा दिया गया, पहले भी दिया गया कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाओ, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत बनाना ये अपने आप में तब तक पूरा नहीं होगा जब तक भारतीय जनता पार्टी एक नई उम्मीद के रूप में जनता के सामने अपने आप को प्रकट नहीं करेगी। और आज हमारे ऊपर सबसे बड़ी चुनौती है कि जनता की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आए, हम जनता के सामने अपने आप को इस दृष्टि से प्रकट करें। मैं 4-5 ऐसे विशेष कारण आपको बतलाना चाहूंगा कि देश की जनता इस सरकार से नाखुश क्यों हो चुकी है। और पहला सबसे बड़ा कारण है कि इस सरकार में नेतृत्व की पूर्ण रूप से विफलता हो चुकी है, जिसको लीडरशिप फेलियर कहते हैं। यूपीए के 9.5 साल जो बीत चुके हैं वो नेतृत्व की विफलता का एक दौर है। नेतृत्व की विफलता के उदाहरण ये हैं कि आज भी इस सरकार में निर्णय ले पाने की क्षमता नहीं है, कठोर निर्णय ले पाने की क्षमता नहीं है। सरकार जनता के सामने किसी प्रकार की प्रेरणा प्रकट कर सके, इंस्पिरेशन दे सके, ऐसा नेतृत्व इनके पास नहीं है। देश का सर्वोच्च नेता सदैव प्रधानमंत्री होता है, लेकिन ये विचित्र परिस्थिति है कि प्रधानमंत्री ऐसे हैं, देश का तो छोड़िए, उनकी पार्टी उनको पार्टी का भी नेता मानने को तैयार नहीं है। किसी भी शासन चलाने के लिए जो अंतिम शब्द होता है वो प्रधानमंत्री का होता है, यहां प्रधानमंत्री की राय कहीं मायने ही नहीं रखती। और एक प्रकार से जैसे उनके नेतृत्व से उत्साह ना हो, इंस्पिरेशन ना हो, ऐसी परिस्थिति इस सरकार के नेतृत्व की हो चुकी है। और आज कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं कह रहा कि आने वाले चुनाव में उनको नेता के रूप में प्रकट करेंगे। कांग्रेस की यह स्थिति है कि बार बार वो कहते हैं शायद हम नेता किसी को रखेंगे नहीं, नेतृत्व की लड़ाई से दूर भागना चाहते हैं, लीडरशिप बैटल को डक करना चाहते हैं, उससे बचना चाहते हैं, उस डिफेंसिव मुद्रा के अंदर अपने आप को उन्होंने डाल दिया है। यह इस सरकार की परिस्थिति है, इस यूपीए शासन की परिस्थिति है। और लोग देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उभरते हुए नेतृत्व की तरफ कि किसी प्रकार से आकर्षण के साथ देश में एक नई उम्मीद लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने नए नेतृत्व को पेश करती है। आप देश के अंदर अर्थव्यवस्था की स्थिति देखिए, प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री हैं, लेकिन शायद पिछले 10 वर्षों में अर्थव्यवस्था का जो संचालन हुआ है वो दिन प्रतिदिन अर्थव्यवस्था को नीचे ला रहा है,
और इसका प्रत्यक्ष असर हर आम आदमी के ऊपर पड़ता है। देश के अंदर बाहर से तो छोड़िए, देश के भीतर से निवेश होना बंद हो गया। आज देश के भारतीय उद्योगपतियों को लगता है कि भारत में निवेश करेंगे तो अर्थव्यवस्था में उत्साह नहीं रहा, वो भी बाहर देशों की तरफ देख रहे हैं। बाहर से जो आने वाले थे वो देश के अंदर निवेश करने को तैयार नहीं। जब निवेश नहीं होगा, आर्थिक गतिविधि कमजोर होगी, सरकार की जेब में राजस्व कम आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर होगा, रोजगार कमजोर होगा, तो जो स्थिति पिछले 4 सालों में देश की अर्थव्यवस्था की है, लगभग वो परिस्थिति किसी भी समाज में पैदा हो सकती है। आज इस बात को लेकर एक त्राही त्राही देश में बच रही है कि ये सरकार अर्थव्यवस्था का संचालन नहीं कर पा रही, कीमतें आसमान छू रही हैं, और सरकार जैसे कोई सरकार का दिल ना हो। अंग्रेजी भाषा में एक शब्द कहते हैं, जो कठोर हृदय का होता है वो हार्टलेस हो चुका है। गरीब का मखौल उड़ाना कि 27 रुपए और 32 रुपए जिसके पास है वो अब इस देश में गरीब नहीं है। आंकड़ों की खिलवाड़ करना ताकि सरकार कह पाए कि इस देश में गरीबी कम हो गई है, ये परिस्थिति इस सरकार की है। तीसरा विषय देखिए कि भ्रष्टाचार की यह स्थिति है कि शायद इस आजादी के बाद 66 वर्षों में भ्रष्टाचार कभी इस चरण सीमा के ऊपर ना पहुंचा हो। आपको याद होगा मित्रों कि श्री राजीव गांधी की सरकार 1989 का चुनाव हार गई थी बोफोर्स के कांड की वजह से। बोफोर्स के कांड में आरोप था कि 64 करोड़ रुपए रिश्वत ली है, 64 करोड़ रुपए रिश्वत में एक शासन बदल गया था। आज परिस्थिति यह है कि वो 64 करोड़ ऐसे लगता है जैसे बहुत लघु उद्योग था। आज तो भ्रष्टाचार के आंकड़े बदले जा चुके हैं। कॉमनवेल्थ गेम में 60-65 हजार करोड़, स्पेक्ट्रम के 2G घोटाले में 1,76,000 करोड़, कोयला खदानों के आवंटन में 1,85,000 करोड़। अब इन आंकड़ों को की कल्पना कीजिए, और सरकार का एकमात्र प्रयास रहता है कि जो कांग्रेस जन इसमें हैं उनको किसी प्रकार से हम लोग बचा लें। 2G के घोटाले में बार बार कोशिश करते हैं, JPC बैठी लेकिन आज तक उस JPC को काम नहीं करने दिया जाता। डॉक्टर जोशी की अध्यक्षता में PAC काम कर रही है, किसी प्रकार से PAC ईमानदारी से अपनी रिपोर्ट ना बना पाए, ये इस सरकार का प्रयास रहता है। कोयला खदानों के आवंटन में CBI सुप्रीम कोर्ट के सामने सच ना बोल पाए, इसलिए CBI की रिपोर्ट के साथ भी खिलवाड़ की जाए, ये उस भ्रष्टाचार की परिस्थिति है। देश की सुरक्षा एक ऐसे बोर्ड पर खड़ी है कि इस सरकार की नीतियों के तहत ये देश अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। पाकिस्तान जब चाहे हमारे जवान सैनिकों का सर काट देता है, जब चाहे सीमा पार करके कहीं ब्लास्ट कर देता है, यह परिस्थिति है। देश के मध्य में देख लें तो माओवाद का विस्तार होता जा रहा है, और केंद्र की सरकार के पास उससे निपटने के लिए ना ताकत है, ना बल है, ना इच्छा शक्ति है। एक बार कोशिश की थी इनके गृहमंत्री ने कि राज्यों को इकट्ठा करें कि माओवाद से लड़ें। प्रधानमंत्री ने भी भाषण दे दिया था
कि देश की सबसे गंभीर समस्या है, और उसके तुरंत बाद सोनिया जी ने एक लेख लिख दिया कांग्रेस संदेश में, तो माओवाद के खिलाफ इनकी लड़ाई भी अपने आप में आती रह गई। जब तक कांग्रेस पार्टी इस देश की सुरक्षा को सुरक्षा के कारणों के साथ नहीं जोड़ेगी और वोट बैंक की राजनीति से अलग नहीं करेगी, तब तक इस देश की सुरक्षा सुरक्षित नहीं रह सकती है। आज पूरे चैनल पे अखबारों में आ रहा है कि एक महिला अधिकारी को उत्तर प्रदेश की सरकार ने बदल दिया। सब कह रहे हैं बहुत ईमानदार थी। क्या कारण था? वोट बैंक का कारण था। किसी ने अवैध निर्माण कहीं किया किसी धार्मिक ढांचे पे, तो समाजवादी पार्टी की सरकार को लगा कि इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, तो एक ईमानदार अधिकारी को बदल दो। यह परिस्थिति है। 3-4 दिन पहले बाटला हाउस वाले कांड का फैसला आया था, आज से सजा सुनाई जानी है। कितने कांग्रेस के नेता थे जो उन बहके हुए नौजवानों के घरों में आजमगढ़ जा रहे थे उनके साथ और उनके परिवारों के साथ अपना समर्थन दिखलाने के लिए? कितने ऐसे थे जो उन पुलिस अधिकारियों के साथ नाम के साथ खिलवाड़ करते थे जिन्होंने अपनी जान दे दी? और बाटला हाउस में जो हुआ वो फर्जी था। कारण केवल इतना है कि देश की सुरक्षा के मामले को किसी प्रकार से सुरक्षा के साथ न जोड़कर वोट बैंक के साथ जोड़ दिया जाए। आज अगर इस देश की सुरक्षा एजेंसीज लश्करे तौबा जैसे संगठन के खिलाफ कार्रवाई करती हैं, तो यह वो सरकार है जो लश्करे तौबा को मार्टर बनाकर खड़ा करना चाहती है, सीबीआई को कहती है कि उसका नाम तक मत लो, और जो अधिकारी उस संगठन से लड़ते हैं उनके ऊपर सवालिया निशान खड़े कर देती है। यह इसकी परिस्थिति है। देश के पड़ोस की स्थिति यह है, पाकिस्तान का मैंने जिक्र किया, जब चाहे इस देश के अंदर आतंक मचा सकता है। नेपाल के रास्ते से आतंकवाद आ जाता है, चीन जब चाहे भारत की सीमाओं के अंदर घुस जाता है, अपने टेंट गाड़ लेता है और हम देखते रह जाते हैं। बांग्लादेश से लाखों करोड़ों लोग गैर कानूनी घुसपैठिए इस देश में आ जाते हैं। मालदीव जैसा एक छोटा सा देश, वो भी हिंदुस्तान को आंखें दिखलाने लग पड़ता है। इस यूपीए सरकार ने इस देश को जैसे बेचारा कर दिया हो, यह स्थिति है, कमजोर कर दिया हो, यह परिस्थिति है। मित्रों, मैं केवल इतना आग्रह करना चाहूंगा कि आज यह देश उस राजनीतिक मोड़ के ऊपर खड़ा है जब इस देश का एक एक नागरिक भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहा है कि कब अपने आप को संगठित करके कांग्रेस मुक्त भारत भारतीय जनता पार्टी हमें देगी। लोगों की उम्मीद हमसे है, और जितने भी ये भविष्यवाणियां और ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, अंत में वो हमारी उम्मीद से भी कहीं आगे निकल जाएंगे। इस देश की जनता तैयार है, हमें उसमें केवल अपने आप को नेतृत्व देने की दृष्टि से तैयार करना। हमें अपने आप को तैयार करना है कि कांग्रेस की सरकार के से इस देश को मुक्त करवाना है। उन प्रांतों में मैं तो देख के हैरान हो गया, कभी हाल में कोई ओपिनियन पोल आ रहे थे तमिलनाडु में, बंगाल में, जहां अपनी ताकत से हम इतना नहीं जीत पाते, हमारी वोट में इतना उछाल आ रहा है। हर राज्य के अंदर वो स्थिति आएगी, और एक बार हम अपनी ताकत स्थापित कर देंगे
तो अन्य राजनीतिक दल भी उस ताकत की परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ तो छोड़िए गले मिलाने के लिए तब आगे बढ़ने लगेंगे। इसलिए आज जुलाई का महीना समाप्त हो चुका है, चुनाव कभी भी हो सकता है, अप्रैल अगले वर्ष तो उसका अंतिम समय होगा, 7-8 महीने हैं। एक प्रण कर लीजिए, केवल यूपीए की विफलताएं और उन विफलताओं को एक एक नागरिक के सामने ले जाइए, आस पड़ोस के हर व्यक्ति के साथ हमारी महिला बहनों का संपर्क तो सबसे अधिक होता है, जो घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेन करने की ताकत होती है, जो किसी भी कार्यकर्ता की पहली जिम्मेवारी होती है, वो क्षमता आप सब में अन्य कार्यकर्ताओं की तुलना में अधिक होती है। पार्टी के वो प्रतिनिधि बनकर अगले 7-8 महीने हम इस काम के अंदर जूझ जाएं, तो आपके इस योगदान के साथ जो अप्रैल तो अंतिम दिन है, उससे पहले भी हो सकता है, जो इस देश में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, उसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और उस योगदान की दृष्टि से आपका ये विशाल सम्मेलन आयोजित हुआ है, जिसके लिए आप सबका और महिला मोर्चा के राष्ट्रीय और प्रदेशों के नेतृत्व का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।